हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे प्यूबिस के ऊपर। मतलब कि हमारा टॉपिक क्या था, हिप बोन। हिप बोन को हम थ्री पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा इलियम, देन इश्चियम, देन प्यूबिस। ओके, सॉरी, इलियम, प्यूबिस एंड इश्चियम। तो देखिए, हमने इलियम के ऊपर कि बेसिकली इलियम को हमें पढ़ना कैसे है, तो हमने इलियम का पूरा चार्ट आपको पूरी इसके पहले वाली हिप बोन वाली वीडियो में बता दिया था कि बेसिकली इलियम को कैसे हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। ओके, तो जो जो भी ये सारा का सारा चार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट बताया था हमने आपको इलियम वाली वीडियो में। ओके, और इस चार्ट से हमने दो चीज़ें क्लियर की थी कि बेसिकली इलियम में हमें क्या क्या पढ़ना है और बेसिकली इलियम के अटैचमेंट्स कैसे याद करते हैं। ओके, और डिट्टू अब ऐसा का ऐसा ही हम यहाँ पे हमारे हिप बोन के प्यूबिस वाले पार्ट के लिए करेंगे, और यहाँ को भी इसके लिए भी हम एक सेपरेट चार्ट बनाएंगे और सारा का सारा प्यूबिस का समझेंगे। ओके, तो प्यूबिस का देखते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब कि आपको अगर हिप बोन हाथ में दी जाए तो बेसिकली आपको प्यूबिस वाले पार्ट में, हिप बोन के प्यूबिस पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें बतानी हैं। तो देखिए, प्यूबिस को हम समझने के लिए हम प्यूबिस को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो प्यूबिस लिखा एंड इसे हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होगा इसका बॉडी पार्ट, देन होगा सुपीरियर रेमस, एंड एक होता है हमारे पास इन्फीरियर रेमस। ओके, तो बॉडी पार्ट हो गया, एक होगा हमारे पास सुपीरियर रेमस, ओके, तो एक होता है हमारे पास सुपीरियर रेमस और एक होता है हमारे पास इन्फीरियर रेमस। तो ये थ्री पार्ट हो गए हमारे प्यूबिस के। ओके, देखिए, आपको पता हो तो हमने इलियम को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। अगर आपने हमारी इलियम वाली वीडियो देखी हो तो इलियम के थ्री पार्ट कौन से थे, तो देख लेते हैं। इलियम का सबसे फर्स्ट पार्ट था एंड, बॉर्डर एंड सरफेस। मतलब इलियम के टू एंड होते हैं, थ्री बॉर्डर होते हैं, थ्री सरफेस होती है। डिट्टू, हमने इसको भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया प्यूबिस को। सबसे पहला हमारा होगा बॉडी पार्ट, देन सुपीरियर रेमस, देन उसके बाद होगा इन्फीरियर रेमस। तो ये हो गए हमारे प्यूबिस के थ्री पार्ट। देखिए, इस वीडियो में हम प्यूबिस का ओनली थियोरेटिकल देखेंगे, इसके बाद पूरा का पूरा जो भी हम थ्योरी लिखेंगे उसको हम हिप बोन पे अप्लाई करेंगे। जो भी प्यूबिस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसको सारे के सारे को हिप बोन पे अप्लाई करेंगे। तो बॉडी पार्ट हो गया, देन आपको देखिए प्यूबिस के बॉडी पार्ट में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है। तीन चीज़ें क्या, एक पढ़ना है आपको प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, तो सबसे पहला होगा हमारे पास प्यूबिक क्रेस्ट, सेकेंड होता है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल, एंड थर्ड वाला पार्ट होता है हमारे पास थ्री सरफेस। ओके, तो ये तीन चीजें, कौन सी, बॉडी ऑफ प्यूबिस में हमें तीन चीजें पढ़नी है। प्यूबिक क्रेस्ट पढ़ना है, जैसे देखिए ना, आपने इलियम में क्या पढ़ा था, इलियक क्रेस्ट, उसी तरह से प्यूबिस में क्या होती है, प्यूबिक क्रेस्ट होती है। एक पढ़ना है आपको प्यूबिक ट्यूबरकल। अब देखिए, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं प्यूबिक ट्यूबरकल, जबकि आप इस साइड क्या पढ़ते हैं, आपने अगर यहाँ पे पढ़ा हो तो यहाँ पे होता होगा ना, आपको पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पे इधर बताया था हमने, देखिए यहाँ पर क्या होता है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट, यहाँ पे क्या होता है प्यूबिक ट्यूबरकल। मतलब हम बता रहे हैं, हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ओके, समझने के लिए, देखिए समझने के लिए बता रहा हूँ ओनली, ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सकें किस में क्या चीज़ बोलनी है। प्यूबिस में बोलना है प्यूबिक क्रेस्ट, इलियम में क्या बोलना है इलियक क्रेस्ट। प्यूबिस में बोलना है प्यूबिक ट्यूबरकल, इलियम में क्या बोलना है ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। ओके, तो दो चीज़ें हो गई एंड थ्री सरफेस। थ्री सरफेस कौन सी होगी, एक होगी हमारे पास इसकी थ्री सरफेस में से, एक होती है हमारे पास एंटीरियर सरफेस, ओके, एक होती है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, और एक होती है हमारे पास इसकी मीडियल सरफेस। ओके, तो ये तीन सरफेस पढ़नी है। देखिए, पोस्टीरियर सरफेस बोल दीजिए या बोल दीजिए पेल्विक सरफेस, ओके, पोस्टीरियर बोल दीजिए या बोल दीजिए पेल्विक सरफेस। एक होती है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस, एंड एक होती है हमारे पास मीडियल, या फिर से बोलते हैं सिम्फाइशियल सरफेस, क्योंकि बेसिकली राइट की मीडियल और लेफ्ट की मीडियल दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएगी, प्यूबिस सिम्फाइसिस, इसीलिए बोलते हैं सिम्फाइशियल सरफेस।
देखिए मैं पूरा पूरा एक पूरा चार्ट फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप पूरा चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो भी बनेगा। ओके, तो 3 सरफेस हो गई। देन सुपीरियर एनएमएस में आपको क्या पढ़ना है, देखिए सुपीरियर एनएमएस में पढ़ना है आपको 3 सरफेस 3 बॉर्डर, तो इसके अंदर आपको पढ़नी है 3 सरफेस एंड पढ़ने हैं 3 बॉर्डर। 3 सरफेस कौन सी होगी, इसकी सबसे फर्स्ट सरफेस होगी हमारे पास सुपीरियर सरफेस। ओके, एक होगी हमारे पास इसकी एंटीरियर सरफेस। देखिए ये सारा का सारा अब अभी हम हिप बोन पे जो रियल हिप बोन होगी उस पर अप्लाई करेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। एक होती है एंटीरियर सरफेस। ओ देखिए मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिप बोन पढ़ रखी है, जब आप पढ़ेंगे जब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। एक होती है हमारे पास इन्फीरियर सरफेस। ओके, तो दिस इज इन्फीरियर सरफेस। ओके, तो 3 सरफेस हो गई, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। ये 3 सरफेस किसकी है, सॉरी यस यस सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे लिखना है हमें 3 बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पे होगा ऊपर होगा बॉर्डर, नीचे आएगी सरफेस। ओके ओके, तो 3 बॉर्डर कौन से, एक होगा सुपीरियर बॉर्डर, एक होगा एंटीरियर बॉर्डर और एक होगा हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर। ओके, तो सुपीरियर इन्फीरियर और एंटीरियर बॉर्डर। अब 3 सरफेस कौन सी होगी, 3 सरफेस में से एक होगी हमारे पास पेक्टिनियल सरफेस। ओके, इसके बाद एक होती है हमारे पास पेल्विक सरफेस एंड देन एक होती है हमारे पास ऑब्टूरेटर सरफेस। ओके, तो ये 3 सरफेस होती है हमारे सुपीरियर एमएस की। तो सुपीरियर एमएस में पढ़ना है 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। देन अब आते हैं अब हमारे नीचे, देखिए अभी इनमें थोड़ा और पढ़ना है कि बेसिकली सुपीरियर सरफेस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती हैं और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। उसके बाद आपको पता होगा पेक्टिनियल सरफेस, पेल्विक सरफेस, देखिए मतलब सॉरी मतलब इनका एक्सटेंशन पढ़ना है कि कौन सी ये सुपीरियर सॉरी बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होता है, एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होता है और इन्फीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक होता है। देन अब ये 3 सरफेस है तो बेसिकली 3 सरफेस इन 3 बॉर्डर के बीच ही होगी, कॉमन सी बात है। तो देखिए इनको ऐसे भी समझते हैं कि बेसिकली मैंने एक बनाया ट्राइंगल, अब देखिए ये ट्राइंगल बन गया तो मैं इसे बोल रहा हूँ ये क्या है, दिस इज मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये है हमारे पास दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। तो एस यू पी मतलब दिस इज सुपीरियर और बी मतलब बॉर्डर। ओके, तो दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, एस यू पी मतलब सुपीरियर बॉर्डर, मैं इसे बोल रहा हूँ ये वाला बॉर्डर कौन सा होगा, दिस इज इन्फीरियर बॉर्डर। तो आई एन एफ मतलब दिस इज इन्फीरियर एंड बी मतलब दिस इज बॉर्डर, दिस इज इन्फीरियर बॉर्डर। मैं इसे बोल रहा हूँ दिस इज, देखिए ना 3 बॉर्डर थे ना, सुपीरियर बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, ये वाला कौन सा बचा, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, तो ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर। ओके, अब देखिए सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर इन दोनों के बीच जो सरफेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं पेक्टिनियल सरफेस। तो इन दोनों के बीच, ओके, इन दोनों के बीच जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं पेक्टिनियल सरफेस। किन किन के बीच, सुपीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच। ओके, एक होती है पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस कहाँ पे होती है, तो देखिए पेल्विक सरफेस होती है यहाँ पे, ये है पेल्विक सरफेस। सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर इन दोनों के बीच जो सरफेस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं पेल्विक सरफेस। ओके, तो इन दोनों के बीच हो गए पेल्विक सरफेस। एक होती है ऑब्टूरेटर सरफेस, तो जो बची हुई कौन सी, ये वाली इन्फीरियर एंड एंटीरियर बॉर्डर के बीच जो सरफेस प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ऑब्टूरेटर सरफेस। ओके, तो इस डायग्राम सारा क्लियर हो गया। ओके, एंड इनके एक्सटेंशन पढ़ने हैं। ओके, और पढ़ लेंगे अभी आगे, अभी हम ओनली आपको सुपरफिशियल व्यू दे रहे हैं कि बेसिकली आपको प्यूबिस में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप हिप बोन से डरे नहीं। बंदे क्या करते हैं, एक साथ सारा पढ़ते हैं तो हिप बोन से डर जाते हैं। पहले हम आपको सुपरफिशियल देंगे, धीरे धीरे मतलब स्टेप वाइज चढ़ेंगे। अगर आपको ये आता है तो फिर इसके अलावा एक स्टेप और चलेंगे कि इनके अंदर और थोड़ा डिटेल से पढ़ लें, जो कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हमें हिप बोन के बारे में भी पूछा जाता है। ओके, इन्फीरियर एमएस में आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसका पढ़ना है आपको एक्सटेंड कि बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, और एक पढ़ना है आपको कि बेसिकली जो इन्फीरियर रेमस होती है ना, ये बनाती है हमारा इस्टियोप्यूबिक रेमाई। तो ये बनाती है हमारा इस्टियोप्यूबिक रेमाई। ओके, तो बेसिकली इन्फीरियर रेमस हमारे इस्चियम के साथ मिलके, ओके, क्या क्या इस इन्फीरियर रेमस हमारे इस्चियम, देखिए 3 होती है ना, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस,
प्यूबिस का, मैं फिर बोल एक बार सुनना ढंग से, प्यूबिस का इन्फीरियर रेमस स्टियम के रेमस के साथ मिलकर बनाता है स्टियो प्यूबिक रेमाई, नाम से पता लग रहा है, स्टियम के रेमस के साथ मिलकर प्यूबिक का इन्फीरियर रेमस, देखिए ना प्यूबिक का इन्फीरियर रेमस ही तो है, तो प्यूबिक का तो होगा इन्फीरियर रेमस, तो प्यूबिक का होगा इन्फीरियर रेमस और स्टियम का होगा रेमस, ओके। तो प्यूबिक का, प्यूबिक और स्टियम दोनों का रेमस मिलकर बनाता है स्टियो प्यूबिक रेमस। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिप बोन दी जाए ना तो बहुत सी बार तो क्या होता है एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा कि स्टियो प्यूबिस रेमाई के सॉरी अटैचमेंट बताइए, ओके। तो देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाना, डायरेक्ट हिप बोन में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा हिप बोन पिकअप कीजिए, हिप बोन उठाइए और डायरेक्ट पूछेगा कि स्टियो प्यूबिक रेमाई के अटैचमेंट बताइए, ओके। तो इसको पढ़ना है, इन्फीरियर रेमस के पढ़ना है एक्सटेंड, कि बेसिकली इन्फीरियर रेमस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है। तो देखिए ये एक्सटेंड करती है हमारे प्यूबिस, सॉरी ये एक्सटेंड करती है बॉडी, पूरा लिख देते हैं, एक्सटेंड करती है बॉडी ऑफ प्यूबिस टू, कहां से कहां तक, बॉडी ऑफ प्यूबिस टू रेमस ऑफ स्टियम, ओके। मतलब देखिए ना हमने बोला ना इस्टियो प्यूबिक, इसलिए तो बोला क्योंकि देखिए ये प्यूबिस टू स्टियम, प्यूबिस टू स्टियम, स्टियम टू प्यूबिस, कुछ भी बोल दीजिए, इन दोनों के बीच एक रेमस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं इस्टियो प्यूबिक रेमस, ओके। तो देखिए ये सारा का सारा था आपके लिए, पूरा का पूरा प्यूबिस बोन का सुपरफिशियल, कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, इसके बाद पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में प्यूबिस बोन के अटैचमेंट्स, कि कौन कौन से अटैचमेंट्स हमसे पूछे जाते हैं, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ उसका बेनिफिट सभी को मिले। और लास्ट एंड फाइनल एक और अनाउंसमेंट, इफ़ यू लाइक माई वर्क, अगर आप मेरे काम से खुश हैं जो भी मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। और देखिए डोनेशन के 4 मेथड हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर आप पेपल से कर सकते हैं, या फिर आप पेटीएम से कर सकते हैं, या फिर आप फ़ोन पे से कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे डोनेशन की डिटेल नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं।